जिनके मजबूत कंधों पर है देश की सुरक्षा की बागडोर, थल जल और नभ, जिनकी निगाहें हैं हर ओर, सीना ताने जो हर संकट में बने हैं देश के सुरक्षा कवच, इनकी कर्तव्य परायणता और सजगता के कारण ही तो देश मना रहा आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में जब शुरू हुआ सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट मास्टर प्लान, तब इस प्रोजेक्ट के तहत 90 सालों में पहली बार इस क्षेत्र के 62 एकड़ में कार्यरत हमारे सेना नायकों को प्राथमिकता देकर उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर स्थान पर स्थानांतरित करने का किया गया विचार। पहले जहां हमारे 7000 सेना नायक, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक तक के ऑफिसर शामिल हैं, वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय बने हटमेंट यानी अस्थायी कार्यालय और जिनका अंग्रेजों द्वारा अस्तबल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वहां कार्य करते थे। लेकिन आज हुआ है कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू के 13 एकड़ क्षेत्र में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त अत्याधुनिक कार्यालय परिसर का निर्माण। रिसोर्स एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली, लाइट गेज स्टील फ्रेम जैसी न्यू टेक्नोलॉजी LGSF का उपयोग कर 12 से 13 महीने के कम समय में ही इस ऐतिहासिक निर्माण कार्य को किया गया है पूरा। यहाँ है रूफटॉप सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो वेस्ट कैंपस, ऑक्यूपेंसी सेंसर्स, पजल पार्किंग जैसी स्वचालित और नवीनतम प्रणाली जो पार्किंग की पूरी व्यवस्था का रूप ही बदल देगा। साथ ही हॉस्पिटल, मॉडर्न बैरिक्स, जवानों के लिए कैफेटेरिया के साथ 24 आवर्स 7 डेज अ वीक फुल फ्लेज्ड किचन और एम्यूनिशन बैकअप फैसिलिटी, सुरक्षा के लिए हाई लेवल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस, इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। इसके इंटीरियर में है झलक ग्लोबल ऑफिस ट्रेंड्स की। कोविड जैसे चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद भी 6.5 लाख पर्सन डे के रोजगार का सृजन कर आत्मनिर्भर भारत के तहत इस भव्य इमारत का 8000 टन सीमेंट, 9000 टन स्टील का इस्तेमाल कर निर्माण दिखलाता है न्यू इंडिया की ताकत को। और इतने बड़े और भव्य निर्माण में एक भी पेड़ का न काटा जाना पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता को भी करता है उजागर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अत्याधुनिक भवन को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सौंप रहे हैं हमारे उन सेना नायकों को जिनकी रगों में बहता है भारत और जिनके हाथों में शान से लहराता है।